दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड्स, ये मेरा 7वां लेक्चर चल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। जो एस्पिरेंट्स सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, ये लेक्चर्स काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। मेरा टारगेट ये है कि आप लोगों के कंसेप्ट बेस्ड इकोनॉमिक पढ़ाना रादर दैन रट्टाफिकेशन, कि आप खुद बोलें कि हाँ, इकोनॉमिक समझ अब आने लग गई है। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रिक्टली एक बात बोलूँगा कि आप मेरे पुराने वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्लेलिस्ट में लेगी, उसमें आपको अब वहाँ से देखना स्टार्ट कीजिए पहली वीडियो से, ताकि आप मुझे समझ सकें, मेरे बारे में जान सकें, तो ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें समझ आ सकें। मैं एक चीज़ यहाँ पे एक बात और भी बोलूँगा कि जो ये लेक्चर्स हैं, आप इनको देख लें, कोई नहीं, जो न्यू एस्पिरेंट्स भी हैं देखिए, लेकिन इसके बाद बुक को जरूर देखिएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं शॉर्टकट के चक्कर में हैं कि ये इन्हीं लेक्चर्स को समझ लो बस सब कुछ हो गया, तो आप गलत सोच रहे हैं। कि जितना आप खुद पढ़ेंगे उतनी आपकी जो डाइवर्सिटी है सोचने की वो ज़्यादा विकसित होगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये भी मैं बोलूँगा कि जो एस्पिरेंट्स जिनको लग रहा है यूज़फुल लेक्चर्स हैं, आप अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ये लेक्चर्स उन लोगों तक पहुँच सकें जिनको इन लेक्चर्स की रियली ज़रूरत है। रात के कुछ 1:30 बज रहे हैं इस समय, 1:30 पौने 2 हो रहे हैं, और मैं लेक्चर्स बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो इतना ज़रूर कीजिए कि इन वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए वहाँ पे उन लड़कों के लिए जिनको इन लेक्चर्स की ज़रूरत है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लेक्चर नंबर 7 मेरा, ये कंटिन्यू करेंगे आज हम। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने एक रोड मैप देखा आर्थिक नियोजन से रिलेटेड, भारत में आर्थिक नियोजन से रिलेटेड हमने एक रोड मैप देखा। शुरू के 5 से 10 मिनट हमने एक 5 से 7 मिनट हमने रोड मैप देखा। उसके बाद मैंने आर्थिक नियोजन क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा डेप्थ एनालिसिस दिया। एक संकुचित आर्थिक नियोजन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताया। एक आज के समय मॉडर्न ट्रेंड क्या चेंज हो रहा है आर्थिक नियोजन से रिलेटेड, उसकी परिभाषाएं, जैसे सतत विकास 1987 में एक वर्ड लेके आया महत्तम का, मैंने आपको वो भी बताया। इस लेक्चर्स में हम इसके प्रकार देखेंगे, उद्देश्य देखेंगे, तत्व देखेंगे। तो अभी प्रकार के कंफ्यूज मत होइएगा, ये अभी नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। अभी मैंने शॉर्टकट के लिए उद्देश्य और तत्व को मैंने पहले कर दिया है, बाकी इसका प्रकार को हम आने वाली स्लाइड्स में देखने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, आर्थिक नियोजन के उद्देश्य, अगर अगर मैं ये भी आर्थिक नियोजन को भी हटा दें, उद्देश्य से सोचें क्या होता है। अगर मैं बोलूं, ये भी छोड़िए, अभी इकोनॉमिक छोड़िए, आप अपने स्टैंड पे सोचिए कि लेट सपोज आप जॉब कर रहे हैं कहीं, आप एक छोटी सी फर्म के अंदर जॉब कर रहे हैं, लेट्स सपोज 20,000 रुपये महीना कमा रहे हैं आप। जब आप 20,000 रुपये कमा रहे हैं और आपके साथ आपकी पूरी फैमिली है, मीन्स आप ब्रेड बटर हैं, आपके साथ मान लीजिए 5 लोग और जुड़े हुए हैं आपके साथ, कि आप ही हैं घर के मसीहा और आप ही कमा रहे हैं और आपके कमाने से ही घर का खर्चा चल रहा है, और मैक्सिमम एक्सपेंडिचर के साथ ऐसी लाइफ होती होगी जो मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं। तो जब आप कमा रहे हैं 20,000 रुपये, आपको पता चल गया कि कितना भी कर लो, कितना भी मिनिमम कंजूसी कर लो, कितनी भी ज़्यादा ज़्यादा कंजूसी कर लो, घर में 15 से 16 हज़ार रुपये खर्च तो होने ही होने हैं, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है। तो आपके उद्देश्य क्या होंगे उस समय? आपका यही होगा कि भाई मिनिमम सैलरी पे मैं कोशिश करूँ जो फालतू की चीज़ें उनको हटा दूँ, जो डेली की नेसेसरी चीज़ें हैं जैसे कि दूध, ब्रेड, ये चीज़ें, खाना, ये चीज़ें आप नहीं अवॉइड कर सकते, उन्हीं को रखूँ। बाकी जो भोग विलास वाली चीज़ें हैं उनको मैं दूर कर दूँ। भाई मन में अगर आया होगा कि भाई चलो भाई गाड़ी ले लेते हैं, पर लग रहा है 20,000 का बजट है जिसमें से 16-17 हज़ार रुपये मेरा महीने का खर्च है, लेकिन 3 से 4 हज़ार रुपये मेरा महीने की सेविंग, तो आप खुद सोचेंगे नहीं यार टाइम लगेगा गाड़ी लेने में, कोशिश करता हूँ सेकेंड हैंड गाड़ी ले लूँ। सेकेंड हैंड गाड़ी भी चलो वैगन आर छोड़ देते हैं, चलो यार एक मारुति 800 सोच देख लेते हैं, 30-35-40 हज़ार के अंदर ठीक ठाक एक मिल सकती है अगर ढूंढा जाए तो। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है मेरा समझाने का, कि आपने चीजें देखी, आप कैसे कितनी जल्दी फ्लैक्चुएशन आपके अंदर आ रही है। आपके उद्देश्य कुछ और थे आपका नई गाड़ी के, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण, आपकी सैलरी लिमिटेड होने के कारण, आपने अपने उद्देश्यों में थोड़ा बहुत चेंजेस लाना स्टार्ट कर दिया, राइट? इसी तरह पूरी इकोनॉमी में भी यही हाल होता है। हर अर्थव्यवस्था यही चाहती है कि मैं बहुत ज्यादा तरक्की करूं, लेकिन संसाधन सीमित होने की वजह से उनके पैर जो होते हैं वो पीछे की तरफ आ जाते हैं कि नहीं यार इस इकोनॉमी में इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो हम फिर क्या करते हैं, हम समय का इंतजार करते हैं कि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमिक डेवलप होगी, फिर उसके बाद हम अपने संसाधनों को और मजबूती के साथ आगे ला के
फिर उसको हम आगे बढ़ाएंगे, ये होता है। तो इसी तरह आप ये सोचिए, आपने अपने उद्देश्य देखे, अब आप ये सोचिए इकोनॉमी के उद्देश्य में क्या फर्क होगा, राइट? संसाधनों का सही वितरण होना चाहिए, जैसे कि आपने इकोनॉमिक में उसमें देखा था, मैंने आपको एग्जाम्पल रख के समझाया था, अगर आप हैं, यानी कि सही वितरण, इस चीज को आप नोटिस कीजिए, सही डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज में। आपने इकोनॉमिक, आपने सैलरी 20,000 सैलरी थी, आपने ये देखा कि भोग बिलास वाली चीजें मैं हटा देता हूं, अभी जो नेसेसरी चीजें हैं मैं उन्हीं पे जो है पकड़ लेके चलता हूं। तो आपने क्या किया, सही वितरण का सशर्त सुनिश्चित करना, यानी कि यही आपका एक उद्देश्य होता है। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो पहले यही है कि संसाधनों का सही वितरण आपके लिए सुनिश्चित होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, निर्धनता के चक्र को समाप्त करना। अब आप जॉब जब आप कर रहे हैं, आपका मेन मोटिव क्या होगा, यार गरीबी खत्म हो, मैं भी कुछ अच्छा बनना चाहता हूँ, मेरा अपना ऑफिस हो, मेरे नीचे भी स्टाफ हो, मैं काम करना चाहता हूँ, कोई इस तरह की फिलोसफी लेके चलते हैं। अगर आप एक आईएएस भी बने तो आप सोचेंगे यार मैं डीएम बनना चाहता हूँ, बस मुझे इससे नीचे मैं ना मुझे गुजारा होगा, डीएम करके मैं जन कल्याण करूंगा, वो अलग चीज। लेकिन अगर आप एक ऑफिस में हैं तो आप क्या ये सोचेंगे, यार मेरी गरीबी खत्म हो, क्योंकि नौकरी आपको एक ऐसा साधन दिख रहा है कि हाँ अगर मैं कंटिन्यू करूंगा तो मेरी गरीबी जो होगी खत्म होगी, यही होगा। तो जिस वजह से अब ये सोचे बड़े लेवल पे, तो एक अर्थव्यवस्था का भी क्या है भाई, निर्धनता के चक्र को समाप्त करना, यही चीज होगी। तो निर्धनता के चक्र को समाप्त करना नियोजन का है दूसरा कारक, अगर देखें तो दूसरा उद्देश्य यहां पे देखने को मिलता है, बेरोजगारी दूर होना। जैसी जॉब करेंगे तो बेरोजगारी भी तो दूर होगी। आज के समय इंडिया के अंदर आप देखा होगा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, यानी कि बेरोजगारों की संख्या दिन पे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ये कड़वा सच है। कितनी भी कल्याणकारी योजनाएं लगा लें गवर्नमेंट, मैं ये नहीं कहता एनडीए गवर्नमेंट, कांग्रेस आदि आ जाए, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, लेकिन बेरोजगारों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती ही रहेगी। क्यों हमारे पास, क्योंकि हम सर्विस सेक्टर में घुसे पड़े हैं, तो ये रीजन है। यानी कि अगर देखा जाए आर्थिक नियोजन का तीसरा उद्देश्य क्या हो सकता है, बेरोजगारी को दूर करना। तीसरा, चौथा क्या हो सकता है, आधारभूत संरचना का विकास। अगर आपने नौकरी करी, लेट्स सपोज, तो आप क्या सोचेंगे, यार एक छोटा सा ठीक ठाक मकान मैं बनवा लूं, ये एक छोटे लेवल पे आदमी ये सोचता है कि यार पहले घर छत छुपाने के लिए जगह होनी चाहिए, खाना तो चलो ठीक है हो गया, लेकिन एक छत अगर हो जाए चाहे कैसी भी हो टूटी फूटी, मजा सा आ जाता है। तो उसी तरह एक अर्थव्यवस्था के लिए भी क्या होगा कि इस आधारभूत संरचना का विकास। अब आधारभूत संरचना एक बहुत बड़ा वर्ड है दोस्तों, आधारभूत के अंदर पुल, सड़कें, नहरें, कुएं, नलकूप, कृषि, उद्योग, सेवाएं, सब कुछ आ जाती है आधारभूत संरचना के अंदर। तो ये अगर आधारभूत संरचना का, तो आधारभूत जो संरचना है काफी वास्ट कंसेप्ट भी है दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं नियोजन का जो उद्देश्य होता है आधारभूत संरचना का विकास करना भी होता है, जिसके अंदर पुल, आपकी नहरें, कुएं, बहुत कुछ आ सकता है आधारभूत, जैसे बिजली के खंभे, बिजली लगाना, 24 आवर वाटर सप्लाई मिलना, सिंचाई की व्यवस्था होना, तो ये सारी सारी चीज कंसेप्ट जो होती है आधारभूत संरचना में होती। कृषि और उद्योगों का विकास, अगर दोस्तों अगर देखा जाए कृषि और उद्योगों का विकास, आपने देखा होगा भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर कृषि आज के समय हादसे के ऊपर चल रही है। कुछ पंजाब के अंदर कृषि और हरियाणा के अंदर, अगर कुछ सिलेक्टेड रीजन के अंदर कृषि देखी जाए तो वहां के किसान अभी कोई मैक्सिमम किसान देखा जाए तो वहां तरक्की कर रहे हैं, लेकिन अगर पूरे भारत के ऊपर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वहां के जो किसान है आत्महत्या भी कर रहे हैं। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही दुख भरी कहानी है। तो नियोजन के अंदर, कृषि के अंदर उन लोगों को प्रोत्साहन देना जो लोग आत्महत्या ना कर पाए, उनको सब्सिडी प्रोवाइड करना इनडायरेक्टली, या फिर उनके लिए सिंचाई व्यवस्था देना, उनके लिए अगर देखा जाए आधारभूत संरचना का विकास करना, ताकि अगर उनकी फलें, अगर अगर किसी चीज को अगर वो उत्पादन करना चाहते हैं, कर चुके हैं, तो उनको मंडी ले जाते समय कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मंडी ले जाते समय उनको कृषियों को बहुत ज्यादा, किसानों को बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। इसी तरह उद्योगों का विकास करना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में आज के समय आप देखें मेक इन इंडिया चल रहा है प्रोजेक्ट अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं नियोजन का उद्देश्य ये रहता है कि कृषि और उद्योगों का भी जो है विकास होना चाहिए। नेक्स्ट आता है, देखिए सामाजिक न्याय एक अगर बोले तो ये काफी बड़ा कंसेप्ट है दोस्तों। सामाजिक न्याय के अंदर सब कुछ आ जाता है, यानी कि हर एक चीज से, मीन्स हर एक चीज का न्याय से परिप्रेक्ष्य की तरफ देखना, किसी के साथ हीनता का भावना ना हो, किसी के साथ असमानता की जो है भावना ना हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो हमारे देश की महिलाएं हों, या हमारे बच्चे हों, या फिर वृद्ध लोग हों, या फिर विकलांग लोग हो, दिव्यांग लोग हो, उनके साथ कहीं ना कहीं एक समानता व्यवहार करना, तो ये आर्थिक नियोजन के उद्देश्य के अंदर इसी चीज को
इन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने की जो है कोशिश करी जाती है। फिर एक आता है राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र की भी स्थापना करना। ये इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट है दोस्तों। हम 1949 के बाद राजनीतिक लोकतंत्र तो हो गए हैं, हर आदमी के पास राइट है, राइट टू वोट का अधिकार है, लेकिन अगर बोले हमें अभी भी हम लोग आर्थिक लोकतंत्र के ऊपर अगर बात करें तो हम बहुत पिछड़े हुए हैं। कैसे? क्वेश्चन यहाँ पे ये भी उठता है दोस्तों। आर्थिक लोकतंत्र में आप अगर आप देखें, मैं रिपोर्ट को लेके बात करता हूँ, जैसे ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट आई थी, उस उन्होंने समाज के तबके को ये बोला कि जो शुरू का जो 1% लोग हैं, यानी कि अगर 125 करोड़ पॉपुलेशन है, उसका 1%, यानी कि 1 करोड़ 25 लाख, सॉरी हाँ 1 करोड़ 25 लाख ही हो गया, 125 करोड़ का। तो 1 करोड़ 25 लाख लोगों के पास 50% पॉपुलेशन की अगर बोले, 50% जो हमारे देश की पॉपुलेशन है, उस उतना पैसा उन लोगों के पास है, सिर्फ 1%। यानी कि सामाजिक, यानी कि आर्थिक लोकतंत्र नहीं हो पा रहा है। अमीर तो अमीर होता जा रहा है बहुत ज्यादा, जैसे हमने अगर हम देखें टाटा अंबानी बिरला, इनका अगर हम इनके बजाज इनके एग्जाम्पल्स लें, लेकिन कहीं ना कहीं गरीब के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही है खाने को। तो आप देख रहे हैं एक अमीर इतना ज्यादा अमीर हो जा रहा है और एक गरीब बहुत ज्यादा गरीब हो जा रहा है। तो एक डिफरेंशिएट जो है, जो गैप है अगर जो बोले वो बहुत ज्यादा है, इसको कम करना। कि अमीर गरीब ठीक है हर एक अवस्था में देखने को मिलता है, लेकिन इतना भी अमीर गरीब ना हो, किसी के पास 1 रुपया हो किसी के पास करोड़ों रुपए हो, तो ये कहीं ना कहीं एक उद्देश्य होता है आर्थिक नियोजन का, कि इस खाई को कम करना। तो जिस वजह से आर्थिक लोकतंत्र के साथ साथ अगर बोले तो राजनीतिक लोकतंत्र, अब देखो राजनीतिक लोकतंत्र के अंदर भी बहुत बड़ा इशू देखने को मिलता है। हम आज के समय ठीक है, हम लोग मैच्योर हो गए हैं, हमें राइट्स वोट डालने का अधिकार है, लेकिन अगर आप देखें हमारे पास भी लोकतांत्रिक जो अगर बोले राजनीतिक लोकतंत्र, ये भी कहीं ना कहीं सीमित ही है। कैसे? क्वेश्चन है कैसे दोस्तों? केंद्र के अंदर देखें तो दो ही पार्टियां ज्यादा चल रही हैं, या तो गठबंधन सरकार या फिर कांग्रेस या फिर एनडीए। एक आदमी अपना सिर्फ वोट देके खत्म कर देता है, लेकिन अगर देखा जाए उनमें भागीदारी जो होती है, आज भी अगर देखा जाए तो महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। अगर रिपोर्ट्स को भी देखें, यूएन की रिपोर्ट्स को देखें, तो कहीं ना कहीं महिलाओं की जो भागीदारी वो भी आज के समय बहुत कम है। तो हम एक राजनीतिक लोकतंत्र की तरफ भी हमें बढ़ना आगे चाहिए, ताकि सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए। सभी के साथ समानता का व्यवहार होना यहाँ पे बहुत जरूरी। मैंने उन उद्देश्यों को बहुत ज्यादा डेप्थ में आप लोगों को समझाया, इसके पीछे एक रीजन था। चाहता तो मैं एक लाइन पढ़ के मैं आगे बढ़ सकता था, लेकिन उद्देश्यों को समझाने से ये होगा कि आपको अगर मेंस में कैसे भी क्वेश्चन आ जाए ट्विस्ट वाला, आप लिख देंगे, क्योंकि आपके उद्देश्य क्लियर है, आपको नियोजन के पर्सपेक्टिव दिमाग में है, आप लिख सकते हैं। इसी तरह मेरा टारगेट है कि आप अगर ऐसे भी आ जाए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इंटरव्यू अगर आपसे क्रॉस क्वेश्चंस पे करें तो ये क्वेश्चंस आप, मैंने आपको इतना जो डेप्थ में समझाया है, ये आप डेफिनेटली आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए नियोजन के प्रकार, नियोजन प्रकार अगली वीडियो में हम देखने स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखिए नियोजन के प्रकार अगर देखा जाए तो 4 तरह के नियोजन प्रकार हमें, अगर हम ओवरऑल एनालिसिस करें भारतीय अर्थव्यवस्था का, भारतीय आर्थिक नियोजन का, तो हमें 4 तरह के नियोजन देखने को मिलते हैं। एक राज्य और बाजार के अंत संबंध के आधार पर, राज्य और बाजार के अंत संबंध के आधार पर। दूसरा हमें मिलता है प्रक्रिया के आधार पर। तीसरा मिलता है हमें अवधि के आधार पर। और चौथा मिलता है क्षेत्र के आधार पर, हमें ये चीज हमें देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम देखें नियोजन के प्रकार को थोड़ा डेप्थ में एनालिसिस करें, अगर राज्य और बाजार के अगर अंत संबंधों के आधार पर देखें, तो हमें 2 तरह की नियोजन व्यवस्था में देखने को मिलती है, जिसके अंदर आदेशात्मक नियोजन और एक होता है निर्देशात्मक नियोजन। यानी कि आदेशात्मक नियोजन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और निर्देशात्मक नियोजन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस प्रक्रिया के आधार के ऊपर हम केंद्रीकृत नियोजन और विकेंद्रीकृत नियोजन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। इसी तरह अवधि के आधार पर एक होता है दीर्घविधिक नियोजन, एक होता है अनवरत योजना, और एक होता है अल्पकालीन नियोजन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पर्सपेक्टिव, रोनिक प्लानिंग एंड शॉर्ट प्लान। एक क्षेत्र के आधार पर, यानी क्षेत्र को अगर देखें हम, एक क्षेत्र से रिलेटेड लाइक कोई भी, एक तो हो गया राष्ट्रीय नियोजन, एक हो गया क्षेत्रीय नियोजन। लेट्स सपोज यूपी के अंदर अगर 12 बंकी बस्ती के लिए अगर कोई नियोजन बनाना है तो वहां देख सकते हैं। एमपी के अंदर अगर रीवा के अंदर आपको देखना है तो वहां देख सकते हैं। इसे राजस्थान के अंदर आपको जयपुर के लिए अलग बनाना है, जैसलमेर के लिए नियोजन, तो वो हो गया क्षेत्रीय नियोजन। एक हो गया राष्ट्रीय, राष्ट्रीय नियोजन मीन्स पूरे राष्ट्र को लेकर चलना, जिसके तो पूरी 29 स्टेट्स हों, 7 आपके कैपिटल, 7 आपके केंद्र शासित प्रदेश में हों, तो उसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय नियोजन। इसी तरह केंद्रीकृत योजना वो होती है जो केंद्र से बनती है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको बनाती है। विकेंद्रीकृत योजना जो नीचे से ऊपर बनती है, एक तो केंद्रीकृत जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है,
और एक होती है नीचे से ऊपर की तरफ योजना जाती है कि पहले क्षेत्रों का योजना लेके फिर वो पैनल टू पैनल चलता रहता है। अधिशासन नियोजन निर्देशात्मक नियोजन में क्या फर्क है उनको नेक्स्ट वीडियो में देखें। पहले हम कवर कर लेते हैं नियोजन के तत्व, क्योंकि नियोजन तत्व मुझे यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो नियोजन के तत्व पे आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा डेप्थ एनालिसिस करते हैं, आखिर वो कौन से प्रभावकारी नियोजन के तत्व तो होने चाहिए जिससे एक योजना सफल हो जाए। हर एक गवर्नमेंट यही चाहती है कि उसकी योजना सफल होनी चाहिए, क्योंकि अगर सफल नहीं होगी तो दिक्कतें होंगी, हमारे संसाधन बेकार हो जाएंगे, क्योंकि भारत संसाधनों हमारे संसाधन सीमित हैं, जिस वजह से हमारे हमें एक प्रभावकारी नियोजन की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। तो वो कौन से तत्व हों जो आपके प्रभावकारी नियोजन से रिलेटेड आपके होने चाहिए। पहला, आंकड़ों की उपलब्धता। जो CSO है हमारा, केंद्र सांख्यिकी संगठन, अगर बोलें तो आंकड़े वही उपलब्ध कराता है, अगर ऑफिशियल आंकड़े बात करें तो। जब तक आपके आंकड़े मजबूत नहीं होंगे ना, आप कोई भी नियोजन प्लानिंग कर लीजिए आपकी फेल हो जाएगी। तो जिस वजह से तत्व में पहले ही आता है कि आंकड़ों का सही उपलब्धता, यानी कि आंकड़ों की अगर उपलब्धता होगी तो आपका नियोजन जो होगा बहुत ज्यादा कारगर की तरफ आगे बढ़ेगा। दूसरा, आर्थिक आधारभूत संरचना की उपलब्धता, कि आखिर आधारभूत संरचना कितने स्ट्रांग है। अगर आप नियोजन किसी क्षेत्र में लगाना चाहते हैं, लेट सपोज आप किसी गांव में कोई, मान लीजिए आप, लेट सपोज आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, लेट्स वहां पे मान लीजिए एक हब बनाना चाहते हैं उद्योग के लिए, तो जब आप उद्योग के लिए हब बनाना चाहते हैं वहां पे एक आर्थिक, जब आप एक आधारभूत संरचना अगर वहां पे ढंग की नहीं होगी तो आपको क्या, आपको लगता है कि वहां पे अगर आप उद्योग के हब बनाएंगे तो वो चल पाएंगे? नहीं। जब अगर सड़कें टेढ़ी मेढ़ी होंगी तो वहां पे गाड़ियां कैसे जाएंगी, वहां लोग कैसे रहेंगे? तो कहीं ना कहीं आधारभूत संरचना का भी अगर देखा जाए नियोजन के तत्व के अंदर बहुत बड़ा जो अहम रोल होता है। तो जिस वजह से आंकड़ों की उपलब्धता और आर्थिक आधारभूत संरचना की उपलब्धता, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दक्ष प्रशासन, भारतीय प्रशासन की बात ही अलग होती है, निकम्मा बोल सकते हैं एक वर्ड में अगर बोलें, मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं कि निकम्मा प्रशासन है, यही होता है, पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। आज भी हमारे जो सचिव, बहुत से सचिव ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं अच्छी तरह से, वो बात अलग है, उनको करने नहीं दिया जा रहा, वो चीज़ें व्यवहारिक चीज़ें छोड़िए, दक्ष प्रशासन का होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी कि जब तक दक्ष प्रशासन नहीं होगा, जो गवर्नमेंट ऑफिसर अपने सच्चे दिल से काम नहीं करेगा, जब तक फिर योजनाएं कागजों पे ही आगे बढ़ती रहेंगी, कागजों पे सब कुछ परिणाम आ जाएगा लेकिन उस योजना कुछ असर नहीं होगा। जैसे कि अभी एक सर्वे हुआ था, फसल बीमा योजना के बारे में सर्वे किया गया, उसमें से ये पता चला 50% किसानों को तो पता ही नहीं कि फसल बीमा योजना है भी, और ये और उन लोगों को ये भी नहीं पता कि फसल बीमा योजना किस किस कामों के लिए यूज किए थे, कैसे उस पर लोन दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए योजना गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी लेकिन उसके अगर आंशिक परिणाम अगर देखा जाए, अच्छे अगर परिणाम चाहिए तो आपको दक्ष प्रशासन की आवश्यकता सबसे ज्यादा यहाँ पे महसूस होगी। व्यापक जन भागीदारी, अब ये नहीं कि योजना तो गवर्नमेंट ने बना दी, जब तक तो उसके अंदर भागीदारी नहीं होगी हम लोगों की, हम लोग जब तक ये नहीं बोलेंगे हाँ ये चीज अच्छी है, ये चीज गंदी है, इसको ऐसे करें, इसको ऐसे करें, जब तक व्यापक जन भागीदारी नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा। जैसे कि दिल्ली के अंदर एग्जाम्पल देता हूँ मैं, DDA हमारे सोसाइटी के अंदर पेड़ लगाने आए, पेड़ लगाए, एक हफ्ते बाद वो पेड़ खत्म, मुरझा गए। क्यों? क्योंकि क्योंकि रीजन था इसके पीछे कि जन भागीदारी नहीं हो पा रही थी। जैसे DDA ने अपना काम कर दिया, DDA ने अपना आया, पेड़ लगा के चले गए, लेकिन अगर देखें, अगर हम लोग जागरूक होते तो उस पे कहीं ना कहीं सोसाइटी मिलके, प्रधान मिलके भी, वहाँ के सोसाइटी के जो मेंबर मिलके उनको पानी डालने के लिए ड्यूटी लगा सकते थे, तो जिस वजह से वो पेड़ बहुत ज्यादा ग्रोथ कर लेते हो, शायद आने टाइम में हमें छाया का काम भी करते। लेकिन जन भागीदारी की वजह ना होने के कारण वो पेड़ मुरझा गए और वो पेड़ खत्म हो गए, यानी कि कागजों पे तो पेड़ लग गए, अगर दिल्ली गवर्नमेंट के कागजों पे देखे तो हाँ उन्होंने पेड़ लगा दिए लेकिन हकीकत में रिजल्ट कुछ और आया। तो यही सब चीजें हैं नियोजन तत्व के अंदर, कि जन भागीदारी का होना, एक व्यापक भागीदारी जिसमें जागरूकता। आज के समय हम लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, इतने एक्टिव हैं कि अमेरिका भी, अब हमने अमेरिका तक को पीछे छोड़ दिया सच बताएं तो, लेकिन हम प्रैक्टिकली एक्टिव नहीं है। हर आदमी, अगर कोई एक्सीडेंट भी हो जाए तो हर आदमी साइड से कन्नी काट के निकल जाता है, छोड़ो यार कौन लफड़े में पड़ेगा, यही होता है। तो जिस वजह से जन भागीदारी का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और एक जागरूक नागरिक बनना ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक होता है कुशल संस्थान, संस्थान यानी कि कुशल संस्थान का मतलब दोस्तों ये होता है कि जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो एक फ्लो में होना चाहिए, ऐसे नहीं
ऐसा नहीं कि समन्वय की समस्याएं आ रही हैं अपने क्योंकि आप जब एक गवर्नमेंट जब एक नियोजन स्टार्ट करती है, आर्थिक नियोजन स्टार्ट करती है, तो काफी ज्यादा मंत्रालयों के साथ समन्वय करना पड़ता है। जब समन्वय नहीं होगा तो ऑफकोर्स जब संसाधन ही ठीक ठाक नहीं चलेंगे, जब संस्थान सॉरी संस्थान जब ठीक नहीं चलेंगे तो फिर कहाँ से फिर आर्थिक नियोजन होगा। तो ओवरऑल हमने अभी तक उद्देश्य के बारे में समझा, उद्देश्य मैंने आप लोगों को एक डेप्थ एनालिसिस में बताने की कोशिश करी कि इसका डेप्थ एनालिसिस क्या होना चाहिए। प्रकार में अभी मैंने स्टॉप किया, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसमें आदि साधो निधि साधो बहुत कुछ समझाना है, इसको डिफ्रिशिएट करके भी समझाना है। तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अभी तक मैंने जो नियोजन के तत्व बताए ये आपको डेफिनेटली आपकी चीज़ें याद हुई होंगी, जिसके अंदर आंकड़ों की उपलब्धता, आर्थिक आधारभूत संरचना की उपलब्धता, दक्ष प्रशासन, व्यापक जन भागीदारी, कुशल संस्थान। तो ये ओवरऑल सेकंड वीडियो देखा जाए तो मेरा ये पार्ट टू अगर बोले इस यूनिट का खत्म हुआ, यानी लेक्चर नंबर 7 मेरे यहाँ पे फिनिश हुआ। न्यू सब्सक्राइबर्स मेरे पीछे पुरानी वीडियो से देखने के लिए स्टार्ट करें, तो ये आपको चीज़ें समझ आएंगी। तो अभी इसका यहीं समापन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके हम नियोजन के प्रकार की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।